वाले हैं, ऊपर में है डॉल्फिनो और सुसाइड पॉइंट। सुसाइड नहीं करने वाला हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूँ एसदास और आप देख रहे हैं ट्रेवलिंग ब्लेजर। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ 10 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है चाय बागान के बीच में, और देखो कितना फॉग है। ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम मतलब स्वर्ग में है। और ये है रास्ता, ऊपर में भी हम लोग जाएंगे, वो कुछ नहीं दिख रहा है जबकि वो पूरा 10 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। ये जो 10 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है वो एक ही इसका मालिक है। लेकिन व्यू देखो यार, इधर भी देखो, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ चाय बागान के। हमारी जो गाड़ी है वो उधर सामने खड़ी हुई है। वो ये है ऊटी का जन्नत। वो ये है असली जन्नत ऊटी का और इंडिया का भी। यार इतना अच्छा है कि कुछ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग जो है वो शून्य हो गया है कि क्या निकालूं मुंह से। बहुत लोग भी नीचे में वीडियो बना रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। अगर यार ऐसा मौसम हो, अगर ये चीज़ हो तो कौन नहीं चाहेगा सेल्फी लेना या वीडियो बनाना। वाह, सांस फूल रहा भाई, क्योंकि ऊपर ऐसा खड़ी चढ़ाई है, दौड़ते दौड़ते ऊपर आया हूँ भी। और ये ऊपर देखिए, फॉग के कारण से ऊपर कुछ दिख नहीं रहा बहुत, वो टॉप पे है। मतलब लगभग यहाँ से 300-400 मीटर ऊपर होगा, लेकिन ये फॉग है इस कारण से दिख नहीं रहा है। थोड़ा से फॉग अगर दूर हो जाता तो पूरा एकदम नीट एंड क्लीन दिखता। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे, और उधर सामने जाना है, ये तो बस वाला फिर मेरे को चिल्ला चिल्ला के परेशान कर रहा है। अभी जिस बगान से हम लोग आए हैं उसी बगान का ये ग्रीन टी, ये ऐसा टाइप का टेस्ट ले रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसा है। मस्त यार, पहली बार पी रहा हूँ ग्रीन टी, मस्त है। अभी एक छोटे से गांव में रुके हैं मतलब लंच के लिए, और थोड़ा सा दूर आ गया है मतलब हम लोग, और अभी सब लोग लंच कर रहे हैं वहाँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये छोटे छोटे यहाँ पास में विलेज हैं, इधर भी है। मौसम बड़ा अच्छा है यार, एकदम अचानक से मौसम चेंज हो गया। अभी हम लोग नीचे में थे, जस्ट वो जहाँ पास में विलेज पॉइंट है वहाँ से, वहाँ पूरा धूप खिला हुआ था। वहाँ से थोड़ा सा जैसे हम लोग ऊपर आए, ऊपर आने के बाद में एकदम फॉग, मतलब ऐसा थोड़ा पानी वानी टपक रहा था। मैं भी अभी खाना खा लिया यार, क्योंकि भूख तो लग रहा था, लेकिन अभी समय है अपने पास में, सब लोग खा रहे थे।
और थोड़ा टाइम लेके खाते थे। मैं बोला मैं भी खा लूँ, क्यों वीडियो बस बनाते रहूँ, तो मैं भी खा लिया हूँ खाना। अभी देखते हैं सब लोग खाते हैं फिर निकलते हैं। हम लोग पीछे भी जो व्यू देख के आए हैं उसको बोलते हैं टी पार्क। मैं जल्दी जल्दी में नाम बताना भूल गया। दोस्तों अभी हम लोग जस्ट थोड़ा से और आ गए हैं उससे 2-4 किलोमीटर पहले, और यहाँ हम लोग अभी ऊपर जाने वाले हैं। ऊपर में है डॉल्फिनो और सुसाइड पॉइंट। सुसाइड नहीं करने वाला हूँ लेकिन उसको देखने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हाइट में है वो। चलिए ऊपर जाके बताता हूँ कितना हाइट में है। फिलहाल मास्क इज मैंडेटरी, मास्क लगा लो भैया। भाई बड़ा डरावना लग रहा है तो सीन। सुसाइड पॉइंट नाम दिया है तो सही में वैसे ही है डरावना। यहाँ भी आने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। एंट्री फी है 20 रुपया पर पर्सन, और साथ में अगर आप वीडियोग्राफी करते हो तो 100 रुपीज़, और आप स्टिल फोटोग्राफी करते हो तो 30 रुपीज़। तो ये है मामला, बाकी आप देख लेना जैसे भी हो। वैसे कोई वहाँ कोई कटवाता नहीं है, आके यहाँ सब वीडियो बनाते हैं, सेल्फी मारते हैं। मैं तो लिया हूँ, बाकी किसी का पता नहीं है यार, बड़ा ऊपर है। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ सुसाइड पॉइंट पे, और ये मेरे पीछे है सुसाइड पॉइंट जो आप देख रहे हो। ये यहाँ से लगभग जो है 8,860 फीट, 8,860 फीट नीचे है। ऐसा दिख तो नहीं रहा यार, वो नीचे खाई इसका कहीं भी पता नहीं चल पा रहा है। अभी यहाँ भी वो है ऊपर टॉप में, यहाँ भी जाके देखता हूँ। पहले जो भीड़ है वहाँ खाली हो जान दो फिर। सुसाइड पॉइंट वो भी कोई देखने की जगह है, व्यू अच्छा है। तो ये जो आप देखिए वो है सुसाइड पॉइंट, जो लगभग यहाँ से 8,860 फीट नीचे है, तभी इतना दूर है। तो दोस्तों अभी नीचे चलते हैं डॉल्फिन नोस की तरफ। डॉल्फिन नोस, डॉल्फिन जो भी हो, डॉल्फिन है उधर, शायद इधर है। तो विलेज का रोड है, विलेज तो दोस्तों इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। जो भी व्यू है मैं आपको दिखा दिया हूँ, अरे बज गया। तो इस वीडियो को बस यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। चलो।